सो गाइज आप देख सकते हो मैम हमारे पास 6 महीने बाद आए थे रिफिलिंग करवाने, जो कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि कम से कम 3-4 महीने में आप रिफिल ले लिया करो। ये हमारे रेगुलर क्लाइंट है बट ये 6-7 महीने में आए रिफिलिंग कराने, और अगर आप लेट आओगे गाइज तो वो आप ही का नुकसान होगा, क्योंकि रिफिलिंग में गाइज आप देख सकते हो बहुत ही हमारे हेयर डैमेज हो जाते हैं, जो कि आपके लिए ही गलत है, वो आपके हेयर को डैमेज करता है। मैक्सिमम हमारी एक्सटेंशन की रिफिल 3-4 महीने में हो जानी चाहिए, जो कि ना आपके बालों को नुकसान होगा ना हमारी एक्सटेंशन में कोई फ़र्क आएगा। आप देख सकते हो मैम को 6-7 महीने हो गए थे जो कि अब आए और रिफिलिंग करा रहे हैं, और उनका हेयर कैसे हो चुका है, तो अब हमें भी टाइम लग रहा है उनके टैंगल्स खोलने में, और बाकी अब हम टैंगल खोलेंगे उनके दोबारा करेंगे, बट वो बहुत लेट आए हैं। तो गाइज इतनी लेट आप एक्सटेंशन में मत करना, ये तो आपके हेयर भी ऐसे हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको अपने हेयर से प्यार है तो प्लीज 3-4 महीने में एक्सटेंशन आप ले लिया करो। थैंक यू। सो गाइज अब आप देख सकते हो हम मैम की, ये भी हमारे रेगुलर क्लाइंट है और हम हमेशा मैम की रिफिल टाइम पे करते हैं, तो आप इनका टेक्सचर भी देख सकते हो, इनकी एक्सटेंशन है गाइज, और आप इनका टेक्सचर देख सकते हो कितना स्मूथ और सॉफ्ट है। ये डिफरेंस होता है गाइज जो कि आप 6-7 महीने में रिफिल लेते हो, और जो कि आप 1.5 या 2 महीने या 3 महीने में भी अगर आप रिफिल लेते हो, तो आप देख सकते हो कितने हेयर स्मूथ रहते हैं गाइज। ये आपके ऊपर है आपको अपने हेयर क्वालिटी कैसे रखने हैं। ये भी एक्सटेंशन है गाइज, और जो मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया वो भी एक्सटेंशन से गाइज।